हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराइटी। मध्य प्रदेश की एक और नई अपडेट आपके सामने लेकर आ चुके हैं, और आपकी जो अपडेट है वो रहने वाली प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के भर्ती के संबंध में यहाँ पे आ चुकी है। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में इसकी जो आवेदन दोस्तों प्रारंभ हो चुके हैं, और यदि आप दूसरे राज्य से भी आते हैं तो आप अपने राज्य में, आपके राज्य में भी आवेदन प्रारंभ हो जाए। पूरे भारत में ही प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे ये जारी हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ मोदी गारंटी सरकारी गारंटी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पहले पोर्टल पर। आप लोगों को यहाँ पे इसके पोर्टल पे आ जाना है, और यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई केंद्र। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा इसका अप्लाई करने का लिंक। यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन हिंदी में दी है, प्लस यहाँ पे इंग्लिश में। ठीक है, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने अप्लाई करने का लिंक आ जाएगा। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा राइट स्टेट पर। ठीक है, आप जैसे राइट स्टेट पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका बन जाएगा आईडी और पासवर्ड, फिर आप लोग यहाँ के फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। हमने कर लिया नोटिफिकेशन डाउनलोड, देखिए ये हमारे सामने आ चुका है। पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पर, देखिए जन औषधि केंद्रों के कम से कम 75% डिस्काउंट पर सस्ती और अच्छी दवाई यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, और मोदी जी गारंटी। ठीक है, बता दिया यहाँ पर, बताया देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू हुए देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत देश भर में हर जिले में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, मतलब प्रारंभ हो चुके हैं। अब आप देते हैं क्या योग्यता रहने वाली वो देख लो। तो यहाँ पर देखिए कम से कम 120 वर्ग फुट की दुकान की आवश्यकता होगी, यानी जब आप खोलोगे इस केंद्र दुकान को तो आपको 120 वर्ग फुट की दुकान यहाँ पर चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तभी आप लोगों को परमिशन मिलेगी। दूसरी बात है, अब 1 किलोमीटर की दूरी के बीच दो जन औषधि केंद्र खोले जा सकते हैं। मतलब यदि एक खुला है मान लो जन औषधि केंद्र, और आप 1 किलोमीटर दूरी हैं तो भी आप लोग वहाँ पर खोल सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले 1.5 किलोमीटर था, अब इसको 1 किलोमीटर कर दिया है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति, संगठन, एनजीओ, मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल, फैक्स, सहकारी संगठन, वो आवेदन कर सकता है। कोई उसके लिए रोक नहीं है, कोई भी यहाँ पे आवेदन यहाँ पे कर सकता है। दूसरा, जन औषधि केंद्र चलाने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपके पास में बी फार्मा या डी फार्मा आपके पास अनिवार्य है योग्यता, तभी आप लोग यहाँ पर उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसकी हम विशेषता देख लेते हैं। तो जन औषधि केंद्र संचालकों को 5 लाख तक की वित्तीय सहायता देगी सरकार। ठीक है, महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC ST, भूतपूर्व सैनिक, इनको भी यहाँ पर 2 लाख के अतिरिक्त यहाँ पर वित्तीय सहायता वो मिलने वाली है। सभी दवाइयों पर 20% तक का मार्जिन आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोगों उनकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट करना पड़ेगा आवेदन। तो मैं जो बता दिया आप लोगों को, इनकी जो वेबसाइट है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं आवेदन। दूसरा, इनका ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आया, देखो ये वाला, कि जो आप लोग यहाँ पर कैसे केंद्र खोल रहे हैं वो भी यहाँ पर दी हुई इन्फॉर्मेशन, क्या आवश्यकताएं खोलने की वो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दवाओं के उत्पादन की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जन औषधि कौन पात्रता देख लो, तो यहाँ पर देखिए आपने फार्मा, बी फार्मा डिग्री होना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन, NGO को यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, पहली बात बता दी उन्होंने। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज, सरकारी, सभी यहाँ पर जगह आप लोग खोल सकते हैं। तो ये पूरा आएगा, आप लोग यहाँ पढ़ लेना। आप लोग जो भी आवेदक यहाँ पर खोलना चाहता है वो स्वयं का रहेगा रोजगार आप लोगों का, ये बहुत अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। और एक मेन बात ये, इसमें सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं आप लोगों को, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और धीरे धीरे प्रचार ही बहुत हो रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पर ये भी हो जाएगा। तो ये पूरा रहने वाला है, जो भी आवेदन कर सकता है वो कर सकता है। इसका हम लिंक भी दे देंगे वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके, थैंक्स।